बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हब। क्या हाल है बस? जी बस, आज मैं जो रेमेडी लेकर आई हूँ वो है फेशियल फेस पैक। जी हाँ, ये पूरा फेशियल नहीं है, ये फेशियल में यूज होने वाला फेस पैक है। ये इंतहाई जबरदस्त फेस पैक है। ये ना सिर्फ आपके रंग को गोरा करेगा बल्कि ये आपकी स्किन के ऊपर जितने मसले हैं ये उनका एक सलूशन है, क्योंकि ये फेस पैक जो है ये ऑल इन वन है। इस फेस पैक से जिन लोगों के चेहरे के ऊपर एक्नी है, एक्नी का प्रॉब्लम हल होगा, पिगमेंटेशन का हल होगा, स्किन को लाइट करेगा, इसकी टोन जो है वो इक्वल बनाएगा, जिनकी टू टोन होती है उसको इक्वल बनाता है। जी वैस, देखिए मेरे पास एग योक है, जहाँ पे मैं एग योक से फेस पैक बनाना बताऊंगी, फेशियल फेस पैक। ये बहुत जबरदस्त फेस पैक है। इस रेमेडी पे 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन ये आप बनाइए और घर में जरूर अप्लाई कीजिए। इस एग योक से मैंने अभी तक कोई फेस पैक नहीं बनाया और चूंकि ये फेस पैक मुझे बहुत जबरदस्त लगा, इसके बहुत से फायदे हैं, तभी मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं कि इस फेस पैक में मैं क्या क्या ऐड करूँगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन एकदम से इंस्टेंटली ग्लोई होगी, चमकदार होगी, यंग होगी। अगर आप इंस्टेंट व्हाइट लुक चाहते हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो आप प्लीज ये वाला फेस पैक जरूर घर में बनाइएगा, अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फेस पैक कैसा लगा। अगर आपको किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन पे जाना है, जैसे कि आजकल विंटर का मौसम है तो इसमें स्किन वैसे ही बहुत ज्यादा मुतासर होती है। ये फेस पैक जो है ये आप वीक में एक दफा या दो दफा बनाकर अप्लाई करें। एक तो ये रंग को गोरा करेगी, दूसरा इसमें जो चीजें ऐड होगी वो स्किन को टाइट करेंगी, टोन करेंगी और स्किन के ऊपर झुरियां नहीं आने देंगी और आपका मॉइस्चराइजर भी इससे कम नहीं होगा। तो आइए मैं बताती हूँ मैं इसमें क्या क्या ऐड करने जा रही हूँ। एक तो मेरे पास ये है एग योक, उसके बाद सेकंड में मेरे पास है एलोवेरा जेल। आपको पता है एलोवेरा जेल हमारी तकरीबन हर रेमेडी का हिस्सा है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप नेचुरल लेते हैं एलोवेरा, अगर आपका प्लांट है तो आप उसका ले लीजिए, अगर प्लांट नहीं है तो आप बाजारी कोई सा एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं। थर्ड में मेरे पास है हनी, देखिए मैंने यंग सॉलो की हनी ली है। फोर्थ में मेरे पास है हल्दी, आंबा हल्दी, ये मैंने पंसार शॉप से ली है, ये ऑर्गेनिक है, आपने खाने वाली हल्दी नहीं लेनी, आपने ये लेनी है कस्तूरी हल्दी जो होती है, ये आपकी स्किन के ऊपर ज्यादा अच्छा इफेक्ट करती है। उसके बाद मेरे पास है सॉफ्ट टच वाले का स्किन शाइनर, ये थोड़ा सा ऐड करूंगी, अगर आपके पास है ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है तो आप इसको रिमूव कर दें, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास है मैं इसका एक चम्मच ऐड करूंगी। और लास्ट में मेरे पास है विटामिन ई, और लास्ट में मेरे पास है विटामिन ई का एक कैप्सूल, ये देखें। तो आइए मैं बताती हूँ मैं इसको किस तरह बनाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास एग योक है, ये देखें, आप इसको तकरीबन कुछ सेकंड के लिए इसको बीट करें। तो मैं सेकंड में ऐड करूंगी एलोवेरा जेल, ये देखिए 1 टीस्पून एलोवेरा जेल, ये देखिए 1 टीस्पून एलोवेरा जेल है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। बस नेक्स्ट में मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें आंबा हल्दी। याद देखिए हल्दी जो है आपके पास ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ये तकरीबन मुझे चाहिए 1/2 टीस्पून, ये देखिए। फोर्थ में मैं ऐड करने जा रही हूँ हनी, ये देखिए तकरीबन 1 टीस्पून मुझे हल्दी चाहिए। उसके बाद मैं डालूंगी स्किन शाइनर सॉफ्ट टच वालों का, आपके पास कोई सा है आप वो ले लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर सकते हैं। जी बस लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी E1 कैप्सूल। इसके मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन ई जो होता है ये हमारी स्किन को रिपेयर करता है, उसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं हमारी स्किन के ऊपर। जी बस देखिए मैंने सारी चीज में डाल दी, अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी ताकि इसका एक खूबसूरत सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ये देखिए तकरीबन मैं इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूंगी ताकि सारी चीज इसमें यकजा हो जाए और ये खूबसूरत सा पेस्ट तैयार हो जाए। जी बस देखिए ये बड़ा ही खूबसूरत हमारा पेस्ट तैयार हो गया, ये देखिए ये हमारा फेस पैक तैयार हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ उसको किस तरह अप्लाई करना है, ये देखिए ये थोड़ा सा थिन है बट ये इसी तरह फेस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। मैंने तकरीबन उसको 5 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट किया है या फिंगर टिप की मदद से, आप इसको हल्का सा आपने फेस के ऊपर या हैंड के ऊपर आपने इस तरह इसकी एप्लीकेशन करनी है। ये देखिए मैंने पूरे हाथ के ऊपर इसको फैला दिया। जी बस इसकी एप्लीकेशन का तरीका अलग है, आपने पहले सबसे पहले इसको अपने हाथ से फेस के ऊपर आपने लगाना है और फेस के ऊपर आपने नीचे से ऊपर की तरफ इसको लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लगाना,
ये जैसे पील मास्क होते हैं हमारे, ये उसी तरह रिमूव होगा। आपने पहली इसकी एप्लीकेशन जो है वो थिन करनी है। ये देखें 5 मिनट्स तक मैं इसको ड्राई होकर छोड़ूंगी। जब 5 मिनट्स के बाद मैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन करूंगी, वो जो कि थिक होगी, ड्राई हो जाए, तो आपने इसके ऊपर भर के फिर सेकंड कोट करना है। नीचे से ऊपर की तरफ आपने इसको इस तरह लगाना है। सेकंड एप्लीकेशन आपने थोड़ी भर के करनी है। ये देखिए आप, ये कितने अच्छे तरीके से स्किन के ऊपर स्टे कर रहा है और इसका इफेक्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। ये देखिए सेकंड एप्लीकेशन मैंने की है। अब मैं इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ूंगी। जी बस देखिए 10 मिनट्स गुजर चुके हैं। इसको 15-20 मिनट रखेंगे, ये फुल ड्राई होगा, तो फिर आप इसको इस तरह उतार लेंगे और आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी। एक बाउल में पानी लेकर आप इसको वॉश कर लें। जी बस देखिए मेरा हाथ ड्राई हो चुका है। ये देखिए अभी सिर्फ मैंने 10 मिनट इसको रखा, ये किस कदर शाइनी हो गया, चमकदार हो गया, मेरा हाथ बहुत ज्यादा ग्लो करने लग गया। फेशियल फेस पैक जो है बहुत बेस्ट है। ये देखिए ये फेशियल फेस पैक बहुत ही जबरदस्त है। आप इसको घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा। कहीं भी फंक्शन पे जाने से पहले 10 मिनट पहले आप इसको बनाकर चेहरे पे लगाएं, क्योंकि अंडे की जो जर्दी होती है, एग योक जो होती है, वो चेहरे के रंग को साफ करती है, गोरा करती है। जी बस तो कैसी लगी आज की मेरी रेमेडी, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप इसको जरूर बनाकर अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी रेमेडी के साथ फिर आऊंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।